गेनिंग करूँ या मेंटेन करूँ या थोड़ा लीन करूँ। मैंने तने दिल दिया था तने दिल की। तो भाई अब आप आ चुके हैं प्यूमा वे। हम कपड़ों की वजह से नहीं, कपड़े हमारी वजह से अच्छे लगते हैं। ट्यूसडे है तो पनीर। जब से प्री छोड़ा है 3-4 दिन से भाई इतना बढ़िया वर्कआउट हो रहा है। बड़े बहुत अच्छी बात कर दी धाड़ तो 26 जने को घोड़े पे बैठाऊंगा। तुझे वो भी ऐसे पी गई थी जैसे तू पानी पी रहा है। लोग लाइन पे लगे हुए हैं बट मैं तो बिना लाइन के घुस जाऊंगा। अच्छा बैठ जा। हाय गाइस वेलकम बैक, दिस इज आरुष बोला और आज है डेली व्लॉगिंग का एपिसोड 3। आज के पूरे दिन पता नहीं क्या क्या होगा। और ये स्क्रिप्टेड था, मैंने कहा था मेरे से पीछे से चैन मांगना, देखो मांगने लग गए। अरे तेज की चीखो, पंजाबी में गालियां दो। तो भाई ये चैन कैसी लग रही है, ये पहनू या पतली पहनू? ये बढ़िया नहीं लगती मेरे को। ये मैंने जब बहुत पैसा आ गया था मेरे पे यूट्यूब से तब बनवा के रख दी थी। और ये मैं अपने बच्चे ये मैं अपने बच्चे को पहनाऊंगा सीधा, अपने बेटे को। बाकी भाई मजाक से हट के आज के दिन तुम्हारा भाई जूते खरीदेगा बढ़िया से, क्योंकि मेरे पे जूते नहीं पड़े, एक वाइट पड़े थे और मम्मी को धोने नहीं आते, मैं गंदे करके लाया था, मम्मी ने जूतों का नाश मार दिया तो बड़े ख़राब धोए। अब एक जूते खरीदने पड़ेंगे बढ़िया से और 2-3 पजामे लूँगा बढ़िया बढ़िया। आज पहली बार ज़िंदगी में ब्रांडेड चीज़ लूँगा, लोकल नहीं, सीधा जाके शोरूम से। तो मेरे साथ चलो। बाकी यहाँ पे अपने ओट्स बन रहे हैं, अब इसमें सेब शहद वैद डाल के खाता हूँ और 10 साल हो गए यही खाई जा रहा हूँ, ओट्स। बाकी भाई एक बात बताओ, अब गेनिंग करूँ या मेंटेन करूँ या थोड़ा लीन करूँ? अभी ऐसा दिखता हूँ, हल्का सा नीचे करना। बॉडी तो ओके लग रही है भाई, बहुत नजर ना लगे खुद की थू। बाकी तुम नीचे कमेंट करके बता दो, जो कहोगे वो कर लेंगे। गेनिंग का मन कर रहा है मेरा तो कि थोड़ा और साइज बढ़ाऊँ, बट गर्मी बहुत हो रही है, खाया नहीं जा रहा कुछ भी, तो अभी मेंटेन। थोड़ा सा मानसून का मौसम चला जाए, उसके बाद थोड़ा मौसम खुल जाएगा फिर करेंगे गेन, ठीक है? तुम भी बता दो तुम्हारी क्या सजेशन है। तो भैया आजकल मैं अपने खाली टाइम में एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है कुकू एफ एम। इंडिया का नंबर 1 लीडिंग ऐप है और ये एक ऑडियो बुक समरी ऐप है। इसमें आपको काफ़ी तरह की ऑडियो बुक समरीज मिल जाएंगी। रिसेंटली मैंने इसमें योर ओन जिम की बुक समरी पढ़ी। इसमें आपको बताया गया कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कहीं पे भी वर्कआउट कर सकते हो अपनी बॉडी वेट के साथ। आप अपनी मनचाही कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। आपको अगर जिम का कंटेंट चाहिए, कोई और भी कंटेंट चाहिए, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हो। इसकी मेंबरशिप 399 की, बट अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे तो आपको खाली 199 में मिल जाएगी और ये खाली स्टार्टिंग के 250 बंदों के लिए। तो फटाफट आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हो, बढ़िया चीज़ है। मेरा बॉडी वेट 72 था जब मैं ट्रिप पे गया था त्रिहुंद ट्रैक की, उसके बाद आके मेरा बॉडी वेट कम हो गया था, मतलब जब मैं आया था उसके बाद 70 हो गया था। और उसके बाद फिर मैं अब बिल्कुल इंजॉय ले रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, तब आके बॉडी भी लीन है, स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहा हूँ। और अब देखते हैं मेरा बॉडी वेट कितना है, मैंने बहुत टाइम से चेक नहीं करा। तो आओ मेरे साथ, 69 से 70 के बीच होगा, 69.8, ऑलमोस्ट 70 किलो बॉडी वेट है। और काफ़ी लोग मेरी हाइट पूछते हैं, तो हाइट है 174 सेंटीमीटर, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 5'9" होती है, 5'9" से इतनी सी कम। ये मेरी हाइट, बॉडी आपने देख ली, वेट मैंने आपको दिखा दिया, और बंदी मेरी कोई है नहीं वो आपको पता है। अब चलो आगे चलते हैं। तुम्हें मैंने कहा था जब मैं कटिंग कराने गया था, वो व्लॉग बनाया था, मैंने कहा अगर 5000 लाइक हो गए तो मैं अपने हाथों की वैक्सिंग कराऊंगा, और तुम इतनी शानी चीज़ हो, एक दिन में 5000 लाइक करा दिए। आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं, अगर 5000 लाइक आ गए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम्हारा प्यार देखना चाहता हूँ। इस वीडियो में 5000 लाइक देते हो या नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा भाई, पहले बता रहा हूँ। 5000 लाइक आ गए तो कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम्हारा प्यार देखना है। वो तो वैक्सिंग करानी थी तो तुमने फटाफट करा दिया कि इसकी चीखें निकले, अब दिल खुश होता है मेरा लाइक्स देख के, मेरी स्माइल देखनी है तो 5000 लाइक करो। 1-2 यहाँ पे नहीं आते, बस ये दिक्कत है। ये भाई पहले साफ़ कर लिया था, फिर मैंने सोचा दोबारा करूँ, बट अब साफ़ चीज़ को साफ़ करते हुए बहुत बड़ी चूतिया बंदी करी है मैंने। चलो तो भाई अब आप आ चुके हैं प्यूमा वे। तुम्हें कहा था शॉपिंग करेंगे, सब चीज़ ओरिजिनल लेंगे, तो तुम्हें दिखाएंगे कि शोरूम से ही ले रहे हैं, कहीं लोकल जगह तुम्हारा भाई जाता ही नहीं। वैसे तो कपड़े हम पे लोकल भी जज जाते हैं क्योंकि पहनने वाला शरीर ओरिजिनल है। बाकी चलो अंदर देखा जाता, देखो उल्टा दिख रहा है प्यूमा यार, ये लोकल है क्या? अब भाई प्यूमा तो बिल्कुल टट्टी हो चुका है, बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आया। हो सकता है फैक्ट्री आउटलेट था इसलिए, बट फैक्ट्री आउटलेट में पहले भी हम गए हैं, पहले तो बढ़िया बढ़िया मिलता था, पिछले 2-3 चक्कर लगे हैं, बिल्कुल टट्टी मामला। अब यूसीबी पे देखते हैं, बहुत ही बेकार। क्या हुआ, यहाँ भी नहीं आया कुछ पसंद? वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे, बस तू बना ले, कोई बात नहीं, फटता थोड़ी ना अभी। भाई मतलब हमें ना गंदी आदत लग गई है कहीं और से देखने की, यहाँ पे कोई पसंद नहीं आ रहा, ये वाला ले लूँगा बस।
भाई देखो, ये जो ब्रांडेड कपड़े वगैरह होते हैं ना, ये उन बंदों को चाहिए होते हैं जो खुद स्मार्ट ना हो या जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी ना हो। हम सही है, स्मार्ट है, जो कपड़ा पहन ले वो खिलता है। हम कपड़ों की वजह से नहीं, कपड़े हमारी वजह से अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है, अंदर कुछ कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था और ऊपर से बहुत ही ओवर प्राइस था, मैंने डिसीजन लिया कि अब भाई गाड़ी तो खोल। मैंने ये डिसीजन लिया है कि जहाँ से कपड़े मिलते हैं फ्री के आ जाते हैं, दो चार ऑनलाइन वो ठीक है, बाकी तुम्हारा भाई अपनी मर्च निकालने वाला है। मैं तो चेक करने आया था कैसी क्वालिटी दे रहे एडिडास वगैरह वाले, इनसे बढ़िया क्वालिटी तुम्हें मेरी मर्च में मिलेगी जो मैं निकालूंगा। और सर कब निकालोगे आपको? जल्दी आने वाली है, बाकी कपड़ा कोई मेरे को पसंद नहीं आया भाई, माँ कसम पसंद ही नहीं आया। अगर पसंद आता तो मैं थोड़ा जेब से टाइट होकर ले भी लेता, कुछ पसंद आता, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो देखती पसंद आ रही हो, इसलिए लेने का प्लान ड्रॉप। प्राइस का टैग क्यों देख रहा था तू हर बार? हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अपना ट्यूसडे है, भूख लग रही है बड़ी तेज, पहले कुछ वेज में खाने वाले हैं, उसके बाद गफार जाने वाले हैं, मम्मी का फोन टिक कराने वाले हैं, और जो ये प्लान था अपना ओरिजिनल कपड़े खरीदने का, महंगे कपड़े खरीदने का, वो ड्रॉप हो चुका है। चलो तो भाई वो जो डायलॉग है ना, मैंने तने दिल दिया था तने दिल की, तो वो वाला डायलॉग कल बंदे मेरे को टैग कर करके स्टोरियां डाली जा रहे थे, मैंने दो तीन रिपोस्ट कर दी। तो एक 40 साल या 45 साल के अंकल का मेरे को मैसेज आया, बेटा आप यूथ को क्या सिखा रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। तो अंकल जी मैं आपको इधर रिप्लाई देता हूँ, अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हो तो आप फीलिंग्स पे जाओ, वर्ड गंदे हैं मैं समझता हूँ, गाली देते हैं, बट कोई नहीं, जो गाली देता है वो दिल का साफ होता है, मेरा ऐसा सोचना है। और दिल की बहन चोद दी, मतलब कांड कर दिया तूने भाई, टुकड़े टुकड़े कर दिया दिल के, मतलब तोड़ दिया। फीलिंग समझो, गाली मैं समझता हूँ गलत है, गाली देना नहीं चाहिए, बट अपनी उम्र है कि समझो मेरी बात तो दिल पे मत लिया करो अंकल, आप बुड्ढे हो, आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि बोल रहा है के लबड़े तो आप ओल्ड, हाँ आप ओल्ड हो, आपको थोड़ा लगेगा, बट हमारी उम्र में आपने भी अपनी उम्र में मजे किए होंगे, हम भी अपनी उम्र में मजे कर रहे हैं, बस ये हम कैमरे में दिखा रहे हैं मजे, ताकि जो लोग हैं वो भी मजे कर पाए देख देख के, बाकी और कुछ नहीं, नथिंग हार्ड फीलिंग्स, इंजॉय लिया करो, गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, बस घर वालों के आगे मत दिया करो, कैमरे पे देते हम आपस दारी में, क्योंकि दोस्ती यारी में जो दिल्ली के लड़के हैं यार वो गालियां देते हैं, और मैं वो रियल चीज दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई गालियां देते हैं, मैं कैमरे पे भी दिखा रहा हूँ, इतनी शर्म मेरे में भी है, घर में मैं भी गाली नहीं बकता, जहाँ लेडीज खड़ी होती है वहाँ पे मैं भी गाली नहीं बकता, और किसी लड़की को मैं भी गाली नहीं देता, ये इन दल्लों को देता हूँ, बहन के लड़ों को बस, और किसी को नहीं। वो देख बहन चोद, ये दिखा आशिक दिखा तो भाई अब मैं घर आ गया, अपने काम का बैग उठा चुका हूँ, काम का बैग मतलब जिम का बैग, और अब मैं जा रहा हूँ नीचे, वहाँ से सीधा जाऊँगा गफ्फार, क्योंकि मेरी मम्मी ने अपना फ़ोन गिर दिया पानी में, मासी से लग लग के फ़ोन में, फ़ोन गया पानी में, फ़ोन हो गया डेड, ये ठीक कराना है, और उसके बाद वहीं से जाएंगे जिम, फिर जिम में, और उससे पहले एक प्री वर्कआउट मील लेंगे वेज, तो सब कुछ तुम्हें दिखाती है। ये रहा अपना बैग, ये रहा अपना फ़ोन, इस पर कवर भी चढ़वा दूंगा कोई बढ़िया सा, बट यही कब, ये क्या हो गया, ये देखो भाई आईफोन 15, ये देखो छिपकली, अबे भाई इसको देख देख के ना मेरे को तरस सा आ रहा है, वो बेचारे के दिन आए हुए हैं, 17-18 साल का हो गया, बहुत प्यारा कुत्ता, पूरी बदमाशी है इसके इलाके में, अभी भी कोई इसके आगे नहीं बोलता, ब्रूसो बस इसकी इज्जत करता है, बाकी सबको पकड़ लेता है, इसे कुछ नहीं कहता। नैला ये भी फोन पकड़ भाई, ये देखो गफार में काम करता था ना, इसकी फुल जान पहचान है, अभी भी मोहल्ले से फ़ोन इकट्ठे करके उनके ठीक कराता है, और बीच में से कमीशन खाता है, फिर जॉब करता है, फिर यूट्यूब से पैसा छाप रहा है, फिर ब्रांड डील, बहुत छाप रहा है ये ब्रांड की टांग। तो भाई अपनी प्री वर्कआउट मील, इसके बाद जाएंगे फ़ोन वोन ठीक कराने, और ट्यूजडे है तो पनीर, झूठ कह रहा है चिकन खा रहा है, पनीर नहीं भाई, नहीं मैं नहीं दिखा रहा ये। तो भाई ये जो प्री वर्कआउट मील थी, ये था अपना पनीर सैंडविच, फुल कार्ब्स प्रोटीन वगैरह भर के, और तुमको पता है मैंने प्री वर्कआउट पीना छोड़ दिया, तो प्री वर्कआउट पी के छोड़ने के बाद बहुत बढ़िया चेंज आया, बहुत ही फ्रेश फील करता हूँ। पहले क्या होता था, एक डेढ़ घंटे पहले ही खाना खाना छोड़ देता था, तो भूखे पेट करता था एक्सरसाइज कि प्री अच्छे से हिट करे, फिर जल्दी जल्दी जाने की होती थी कि भाई जल्दी चले जाओ, रात को पीऊँगा फिर नींद नहीं आएगी, फिर नींद तब भी ख़राब होती थी क्योंकि हम डेट है 7-8 बजे जाते थे, बट जब से प्री छोड़ा है 3-4 दिन से भाई इतना बढ़िया वर्कआउट हो रहा है, मज़ा आ रहा है, खा पी के जाता हूँ, फुल एनर्जी होती है, नींद बढ़िया आती है। तो मैं तुम्हें कहूँगा एक हफ्ते के लिए प्री वर्कआउट को छोड़ दो, इसको मैंने ही बोला था भाई छोड़ने के लिए, छोड़ नहीं रहा था अभी इसका फ़ोन आया था भाई मेरे लिए प्री वर्कआउट ले आइयो, साला झूठा भाई, मजाक से हट के कह रहा हूँ, प्री वर्कआउट छोड़ के देखो एक दो हफ्ते, ब्रेक तो लो यार थोड़ा। एक बार तेरे भाई ने यहाँ पे स्कूटी पार्क लगाई थी, हेलमेट साथ छोड़ गया, इतने कमीन बंदे हैं, आया अभी भी हेलमेट छोड़ के आया तू, चल यार। और उसके बाद तेरे भाई ने क्या किया, साइड वाली बाइक वाले का खड़ा था, मैं उसका ले आया
बड़े बहुत अच्छी बात कर दी धाड़ तो 26 जने को घोड़े पे बैठाऊंगा अब इतनी अच्छी बात कर दी तूने। इंसान बाहर घूम रहा है घर बैठा है हेल्दी खाना है नहीं खाना ये उसके ऊपर खुद होता है हर जगह मिल जाता है कुछ ना कुछ हेल्दी वो तुम्हारे ऊपर होता है तुम्हारी खाने की नीयत क्या है। अब यहाँ पे छोले कुलचे भी मिल रहे हैं स्वीट कॉर्न भी मिल रहा है मैं स्वीट कॉर्न खा रहा हूँ क्योंकि क्लीन खाना यही होता बस। ये साला टेस्ट करा है देख रहे हो इतना हरामी है साला जैसे गन्ने का जूस नहीं डलवाते साला और डलवा रहा है उसके अंदर भाई ये फायदा हो गया मम्मी का फोन है तो भाई अपने प्रोटीन का कार्ब्स का फैट का कैलोरीज का इनका ध्यान रखते हो मेन चीज है पानी Your body is made of 70% water. तुझे वो भी ऐसे पी गई थी जैसे तू पानी पी रहा है पानी पीने के बाद जैसे मैं इसे फेंकूंगा उसने मुझे ऐसे फेंका था तेरी तो भाई इधर फोन टिक कराने आया था मैं ये बॉडी देख के थोड़ी टिप्स ले रहा था तो ये कह रहा मेरे को मुंह फुलाना है तेरे को क्या टिप दिया बंदे ने मुंह फुलाने के लिए मेरे को समन टोल्ड मी दैट कि जब आप मतलब सेट मारो हिंदी में बता दे सारे भाई जब आप सेट मारो तो फेस जो है ना वो क्लोज करके मारो मतलब कि ब्रीथ अगर लो आप तो नाक के जरिए मारो मुंह कैसे बंद रखो मुंह ऐसे रखो तो ये बहुत ही चूती एडवाइस है ये कुछ नहीं होता ये सारा आपकी डाइट वाइट का होता है अगर ज़्यादा खाओगे थोड़ा फैट वैट आ जाता है तो मुंह थोड़ा गोल गोल हो जाता है जब तू क्लीन खाएगा साफ सुथरा खाएगा तो जो फैट होता है वो बेकार चीज़ होती है वो जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो सब खत्म हो जाता है लीन हो जाता है तो लीन होकर कट आ जाता है ऐसे ये जो आ जाती है मतलब ये बढ़िया चीज़ है ये श्रिंक नहीं होता मुँह अंदर पिचक गया कमजोरी नहीं होती है ठीक है मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसने गलत दिया हाँ ये इस बात सुना फिर अब तू इसका चैनल सब्सक्राइब कर लियो उसमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल भाई थैंक यू भाई बताने के लिए ओके आई विल ऑलवेज ऑब्लिगेट थैंक यू। आज हेलमेट चोरी हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ यार तू मेरे साथ आया भाई चोर के घर दिखा हेलमेट चोर के घर में कभी चोरी नहीं होती हेलमेट पड़ा हुआ तो भाई अभी मसूरी की कुछ बात चल रही थी लैला कुछ बता रहा था लैला तेरे को क्यों बुरा लगा बता एक बार यार मुझे अपनी लाइफ में सबसे वो इतना वो गंदा पल लगा था ना भाई माँ कसम भैंसो तो लड़की ने मुझे देख के जो यूं ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे ना यूं करके साली वो पछताई की किसी दिन भाई तो ये एक्सप्रेशन दिए क्यों थे उसने हैंड क्लोड तुम्हारी वजह से ना होटल मिल रहा है पसीने पसीने यूं आ रखे पागलों की तरह यूं देख रहे हैं लाइन बोल अगर मॉल रोड में कोई तीन वो बोल भैंसो तो अगर मॉल रोड के अंदर अगर कोई तीन दलिद्दर पना नीच पना कोई दिख रहे थे तो भैंसो तीन बंदे थे पहले पे वैभव वो तो भैंस खा ले वो तो भाई साहब माँ कदम इतना दलिच पना लग रहा था इतना गलीच पना और ऊपर से उसको कॉन्फिडेंस क्या कह रहा था हाँ कैचिंग अभी मेरे पास बढ़िया कपड़े होते हैं कैचिंग पर मानना पड़ेगा लग लेने कैचिंग कर दी भाई तो और दूसरे भी नंबर पे कौन लग रहा था तू बैन के ना तीसरे में मैं लग रहा था भाई झूठ के बोलूं अभी ऑफ कैमरा मेरे को कह रहा देख इनने मजाक नहीं कर रहा पर उस दिन मेरा दिल बहुत दुखा उसकी शक्ल देख भाई के यार देखो यार कभी कभार दुखता है क्योंकि पता है क्यों यार उस चल इतना भी मत कर किसी को देख के उन लड़की ने जो एक्सप्रेशन दिया ना मैं यूं खड़ा हुआ था आइसक्रीम भर दी बस मुझको ऐसे देख रहा था उन्हें यूं देख के क्यों खड़ा वो चीज़ गलत थी यार भाई जो मर्जी हो यार दिल तो सबका होता है यार आत्मा सबके अंदर है हाँ नहीं तो वैसी कोई बंदी नहीं है और लड़की ने ऐसा कर दिया ना अब तो और ही ख्वाब टूट गया कि भैंसों को लड़की मिलेगी नहीं वो ट्यूसडे बी क्या ट्यूसडे जिस ट्यूसडे आप हनुमान जी के मंदिर में आ जाओ तो भाई अभी हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर रास्ते में ही है वहाँ जाके मत्था टेकते हैं और आपके भी दर्शन करवाते हैं आराम से भाई तो भाई वो देखो वहाँ जाना अब इतने लोग लाइन पे लगे हुए हैं बट मैं तो बिना लाइन के घुस जाऊँगा तुम बताओ घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए बिना लाइन के जल्दी कमेंट करके बताओ कहीं पाप ना हो जाए बिना लाइन के घुसना 21 की बूंदी तो भाई पहले ये बताओ मैं ये अलग अलग क्यों पहनता हूँ जिसको पता कमेंट करके बताओ बाकी जूते यहाँ रख दिए मेरा मन नहीं कर रहा कि लाइन में घुसूं बट घुसना भी पड़ेगा कोई और उपाय नहीं है यार क्योंकि जिम भी जाना है अभी आइयो दर्शन हो गए अब चलते हैं जिम फटाफट जल्दी से एक छोटा सा वर्कआउट करके जल्दी घर जाएंगे फिर वीडियो एडिट करनी है ताकि सुबह आप देख पाओ आज देखो ट्यूसडे को ब्लॉग बना रहा हूँ सुबह वेडनेसडे को आप देखोगे देख रहे हो बातचीत
तो भाई बहुत थका पड़ा हूँ और अभी मंदिर से आके सीधा नहाया हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बाहर आग उबल रही है भाई दिल्ली। फटाफट नहाया हूँ, 9:18 हो रहे हैं, अब फटाफट गाड़ी लेता हूँ, जिम जाता हूँ। गाड़ी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नीचे की गर्मी जली नहीं जा रही, स्कूटी में जाती गर्मी से तप रहा है बंदा, ऐसे लग रहा है कि गन्ने का जूस पूरे शरीर हो गया, चिपचिप हो रहा है, इसलिए गाड़ी में इसी में जाऊँगा। फटाफट जिम करूँगा, फिर घर आऊँगा, फिर वीडियो एडिट करूँगा, फिर मिलता हूँ। अब तो मैं सीधा जिम में मिलूंगा, ठीक है। अभी निकला भाई, ये सब्सक्राइबर आ गया था भाई। आजा आजा इधर आजा भाई, ये तो फुल हड़बड़ा रहा है। अबे आजा बैठ जा, बैठ जा। किसके साथ देख रहा था पिक्चर? जो है जिम निकल गए भैया। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा कि कब आएंगे, तो बोले लेट नाइट में आएंगे, 9-10 बजे तक। फिर तो मैं चला गया, क्या बोलूं, क्या बिलीव नहीं हो रहा। अरे यार ले आराम से बात कर, ठंडा हो जा। कौन सी मूवी देखी? वो जुग जुग जियो। कैसी है? अच्छी है। अकेले आया था? कहाँ रहता है? मैं एक्चुअली दिल्ली के बाहर से, एक्चुअली मेरा एक एग्जाम था दिल्ली। अच्छा। में तो अकेले आया था एग्जाम देने। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड है, डीयू में पढ़ता है, देशबंधु कॉलेज साउथ दिल्ली में, तो उसके पीजी में रह रहा हूँ अभी। चलो और बढ़िया। हाँ। कुछ चाहिए तो बता। नहीं नहीं नहीं, सेल्फी 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 चाहिए भैया। बिलीव दिखा, फोन दिखा। हाँ हाँ, आपकी व्लॉग में आ रहा है तू अब? अरे भैया बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आरुष भैया से मिला आज, इतना स्टैमर कर रहा हूँ। मतलब मैं जस्ट पिक्चर देख के निकला सत्यम आइनॉक्स से और भैया मिल गए, मतलब क्या बताऊँ यार, बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मतलब क्या बोलूँ यार। वीडियो कैसी लगती है भाई? बहुत बढ़िया लगती है, एक वीडियो नहीं छोड़ता। पिछली वीडियो ग्रब फेस्ट की, इतना एंजॉय करता हूँ, हर एक वीडियो एंजॉय करता हूँ। गाली वाली देनी कम कर दूँ या सही है? नहीं भैया जैसे भी, तो और दो यार, क्या बोलूँ यार भैया, इतना अच्छा लगता है ना, एकदम भाई वाली। बड़ा शरीफ सा लग रहा है यार तू तो। कहाँ से है? कहाँ से? मैं झारखंड से। झारखंड से? धन्यवाद। चल ऑल द बेस्ट फॉर पेपर यार, बढ़िया हो तेरा। अभी जिम जा रहा हूँ मैं, इसका ना ऑफिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इसको निकलना ऑफिस। बढ़िया सब। आइसक्रीम खाएगा? नहीं नहीं नहीं, खाली एक? नहीं नहीं नहीं, चल ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू यार भाई। वैसे तो तुम्हें पता है सब कुछ एक्सप्रेस कर देता हूँ मैं, बट ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये वाली फीलिंग जो तुम इतना प्यार दिखाते हो ना भाई, बस हाथ जोड़ के थैंक यू इस चीज के लिए। अब जिम चलते हैं भाई, उसका भी दिल खुश हो गया और मेरा डबल दिल खुश हो गया। आज जिम में आग लगा देंगे। मेरे भाई, वैसे मेरे को बैक करनी थी बट ईशान का फोन आया, कह रहा कल मेरे साथ बैक करियो, तो आज हम कॉम्बो करके शोल्डर कर रहे हैं। और शोल्डर करने थे तो अकेले करने का मन नहीं था, इसकी 2-3 एक्सरसाइज हो गई थी। मैं रेयर से सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो ठीक है भाई, यही थी आज की वीडियो। बहुत बढ़िया वर्कआउट हो गया, पूरा घूम फिर लिया। अब लैला बहुत लेट हो रहा है, उसको जॉब पे जाना, तो फटाफट वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को अच्छा प्यार दिखा देना, लाइक और शेयर करके। बाय बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।